हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी विद यू ऑल अगेन। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही डिमांडेड टॉपिक, बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस पे है, जिसे आपने डिमांड किया है। रियली वेरी मच कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन, दैट इज अमिड एंड अमिडस्ट। इसलिए मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि ये टॉपिक आप ही के डिमांड पर बनाया गया, ये वीडियो आज का आपके डिमांड पर बनाया गया। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस बिटवीन और अमंग के बीच का डिफरेंस, अमंग वर्सेस अमंगस्ट और अमंग वर्सेस एमिड के वीडियोस को अगर आपने मिस कर दिया है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर के जरूर से देख लें, या फिर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, आप वहां से क्लिक करके भी सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और इन आठों प्रीपोजिशंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अपने सारे कंफ्यूजन को उस पर दूर कर सकते हैं। अब बिना देर के हम लोग आते हैं आज के वीडियो पर, जिसका टॉपिक है एमिड एंड एमिडस्ट। ये दोनों प्रीपोजिशंस पोजिशनल प्रीपोजिशंस होते हैं। एमिड और एमिडस्ट, ये दोनों प्रीपोजिशंस पोजिशनल प्रीपोजिशंस हैं, जिसका मतलब होता है के बीच। ध्यान दीजिएगा, दोनों का ही मतलब होता है के बीच, और ये दोनों ही प्रीपोजिशंस अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। दोनों में एक खास डिफरेंस है, एक बारीक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कि हम एमिड का प्रयोग करते हैं उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। द अनकाउंटेबल नाउन दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, वी यूज एमिड, प्रीपोजिशन एमिड फॉर द सेंस ऑफ के बीच। लाइक जंगल के बीच में एक महल है, देयर इज अ पैलेस एमिड फॉरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, देयर इज अ पैलेस एमिड फॉरेस्ट, वहां एमिड्स का यूज नहीं कर सकते। बाजार के बीच में एक चौक है, देयर इज अ चौक एमिड मार्केट। एमिड मार्केट, एमिडस्ट मार्केट बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। पानी के बीच है, देयर इज अ टेंपल एमिड वाटर। बालों के बीच में जुए हैं, देयर आर लाइस एमिड हेयर। नाउ एमिडस्ट, एमिडस्ट का यूज हम उसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाएंगे अगर वो अनकाउंटेबल नाउन आपका स्टार्ट होता है भौल साउंड से। ध्यान देंगे, अगर वही अनकाउंटेबल नाउन भौल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम उसके पहले एमिडस्ट का यूज करेंगे, ना कि एमिड का। फॉर एग्जाम्पल, बर्फ के बीच में पपी है, पपी कुत्ता का बच्चा, देयर इज अ पपी एमिडस्ट आइस, नॉट एमिड आइस। तेल के बीच में चॉप है, चॉप जो हम लोग खाते हैं चॉप, देयर इज अ चॉप एमिडस्ट ऑइल, नॉट एमिड ऑइल। कोई भी कीड़ा बच नहीं सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है एसिड के बीच में, नो इंसेक्ट कैन सर्वाइव एमिडस्ट एसिड। तो आपने देखा कि एमिड का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले के बीच के सेंस में करते हैं जब वो अनकाउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। वहीं एमिडस्ट का यूज हम उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं जो भौल साउंड से शुरू होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर वहां पे एक एग्जांपल कमेंट कर दीजिएगा, ये हमारा प्रॉमिस है। अगर वो एग्जांपल आपका गलत होता है तो हम उसे करेक्ट करके, रेक्टिफाई करके जरूर आपको कमेंट करेंगे। इस तरह से आप और ज्यादा सीख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए, जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी अपने घर बैठे कंफ्यूजन को दूर कर सके। और अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि आप तक सारे वीडियोस टाइमली रेगुलरली पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे अगले टिप और अगले लेसन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय, एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।